देश का वोटर क्या कहता है हम जानना चाहते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी जानना चाहते थे कि देश के मतदाता को उनके वोट के बदले में क्या मिला। मुजफ्फरनगर के मशहूर चौक शिव चौक पर हम पहुंच चुके थे। चुनाव क्या है, मतदान क्या है और लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक और चाय की दुकान पर हम आ पहुंचे हैं, मुजफ्फरनगर का प्रसिद्ध चौक जिसे कहते हैं शिव चौक। इस दुकान पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते हैं। चुनाव आने वाला है ये सबको पता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसको पता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? नहीं बताओगे? अच्छा, कुछ लोग तो अभी भाग रहे हैं। चलिए सबसे पहले इधर ही पूछ लेते हैं, हमारे कैमरामैन साहब थोड़ा बीच में फंस गए हैं, एक मिनट इधर आ जाइए। भाई साहब क्या नाम है आपका? भगवान दास। भाई साहब चुनाव आ रहे हैं, पता है आपको? जी। क्या करने वाले हैं आपकी बार? टाइम बताओ जी क्या हो। अच्छा एक बात बताइए, कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? काफ़ी टाइम से डाल रहे हैं। कितने सालों से? 20-25 साल हो गए। अच्छा 20-25 सालों से आप वोट डाल रहे हैं, आपको कुछ मिला वोट के बदले में? नहीं, वोट क्या मिला, जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं बस। कुछ नहीं मिला इसके बदले में? वादे तो हुए होंगे। नहीं वादे हुए लेकिन मिला कुछ नहीं। वादे हुए लेकिन मिला कुछ जी। क्या आपकी बार उम्मीद है आपकी बार मिलेगा कुछ, आपकी बार ऐसा ही हो जाएगा? देखो जब टाइम बदला हुआ जो भी है, आपकी बार भी उम्मीद नहीं है ना। चलिए अब ऐसा जो हम हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि अब लोगों को उम्मीद ही नहीं रह गई है। क्या नाम है चाचा आपका? आप तो सो रहे हो। हाँ जी सो रहे हैं आप। आप बता दो आपका नाम क्या है? नाम तो सलीम है जी। सलीम भाई कितने साल से वोट डाल रहे हो? डाल लीजिए 15 साल से वोट। 15 साल में क्या मिला आपको वोट के बदले? अजी कुछ नहीं मिला, बस वोट वोट डाले दे रहे, कुछ नहीं है। गरीब गरीब तो और गरीब हो रहा, और मालदार और मालदार हो रहा। आपकी बार फिर वोट डालने वाले हैं? हाँ ही डाल लेंगे, वोट तो डाल लेंगे। लेकिन पता है कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा उसको? कुछ नहीं देने का, सब झुंटे वादे कर रहे हैं ये। जब टाइम आया अलग सुनो का, कहने लगे जी हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देते गरीबों को। वादे वादे कर रहे हैं, बस जो भी नेता कहने लगे जी हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं करते। सब अपना ही घर भर रहे हैं नेता लोग। चाचा आपका नाम क्या है? भाई जी आपका नाम क्या है? सिराजुद्दीन। पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ले। भाई आप एक बात बताओ, कितने साल से वोट डाल रहे हो आप? 200 साल से। क्या क्या मिला आपको वोट के बदले? मौत। मौत। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या क्या खा लो जरा, कोई मुसीबत भर रहा था, बड़े बाजार में बाजारों पड़े हुए क्या? देखो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं। दिक्कत क्या हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बतला देगा सलीम, बतला दे भाई। सलीम भाई ने तो बता दिया, लेकिन आप भड़को मत, मैं जान शायद राजनेताओं से बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी भावनाओं पर जब कैमरा देखा। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम तो नासिर है। नासिर भाई कितने सालों से वोट डाल रहे हो? तो बस जब से बालिग हुए जब से वोट ही डाल ले। मिला कुछ वोट के बदले? नहीं जी वोट के बदले कुछ नहीं मिला। आपकी बार उम्मीद है कुछ मिल जाएगा? नहीं जी अब भी उम्मीद नहीं है। मजदूर हमेशा मजदूर रहेगा जी। वोट डालने तो जाओगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आज क्या मिलेगा? लोग अपना अधिकार पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन नेता अपना अधिकार मानने को तैयार नहीं है। सवाल है कि कौन आएगा जो जनता का विकास करेगा। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश है। भाई साहब कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? भाई जब से वोट बनी है जब से वोट ही डाल रहे हैं। बिना कुछ वोट के बदले? वोट के बदले भाई ये देख लो, तुम्हारे सामने चौकीदारी कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। उम्मीद थी कुछ मिलने की? मकान की कह रहे थे मकान मिलेगा लोगों को, कोई मतलब ही नहीं, मकान मकान किसी को कुछ नहीं मिला अभी तक। इस बार भी वोट डालेंगे? वोट डाल लेंगे। क्या कुछ मिलने की उम्मीद है? हर बार की तरह ठगे जाना इस बार? जैसा सबको मिलेगा ऐसा ही हमें मिलेगा। इस देश के लोग अब हार चुके हैं, उन्हें समझ आ गया है कि हाँ कोई नहीं आएगा जो उनके बारे में सोचेगा और जो उनके हित की बात करेगा। वो हर बार सिर्फ और सिर्फ वोट डालेंगे और हर बार सिर्फ और सिर्फ ठगे जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कौन सा नेता आएगा जो जनता की खातिर गठबंधन करेगा, जनता की खातिर किसी के साथ को पसंद करेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे। इसी दौरान शिव चौक पर ही कुछ युवा भी हमें मिले, हमने उनसे भी बात की। राहुल गांधी और अखिलेश के साथ पर भी सवाल किए।
युवा परेशान थे क्योंकि पढ़ाई के बाद भी बेरोजगारी ने उनका दामा नहीं छोड़ा था। सरकार को कोस भी रहे थे लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि बदलाव होगा। रात के वक्त कुछ युवा हमें मिले शिव चौक पर, आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है और शायद इंतज़ार भी किसी चीज़ का कर रहे हैं। फिलहाल तो चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं। इन सब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है चुनाव और चुनाव के बारे में आज का युवा क्या कुछ सोचता है। बड़ी भूमिका होती है युवाओं की इस देश के चुनाव में। 2014 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो युवाओं की बदौलत बने, युवाओं का नाम लेकर बने। आज अखिलेश यादव भी युवाओं का ही नाम ले रहे हैं। आपका नाम क्या भाई? मेरा जी रविंदर। रविंदर भाई कितने सालों से वोट डाल रहे? मैं जी करीबन 10 साल तो हो गए होंगे। 10 साल से वोट डाल रहे हैं जी। क्या मिला आपको वोट के बदले? वोट के बदले अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, जॉब चाहिए थी, जॉब मिली नहीं है अभी तक। कुछ उम्मीद थी आपको? हाँ जी बिल्कुल उम्मीद थी। एक युवा रोजगार से ज़्यादा और किस चीज़ की उम्मीद कर सकता है? दुर्भाग्य की बात है कि युवा रोजगार की उम्मीद कर रहा था, नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी एक साथ आ गए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या कुछ हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, दो युवा एक साथ हैं। बिल्कुल जी, एकदम सही बात है, हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, सरकार बनेगी उनकी, फायदा मिल पाएगा दोनों लोगों को। अच्छा आपको लगता है उसके बाद रोजगार भी मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में? नहीं बिल्कुल मिल पाएगा, अगर दो साथ में हैं, दोनों ही तो ये साथ में, दो लोग साथ में हैं युवा, तो मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। बेशक युवाओं को उम्मीद है, जिस तरीके की उम्मीद 2012 में अखिलेश यादव से की गई थी उसी तरीके की उम्मीद एक बार फिर है। आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? हो गया 8-9 साल। 8-9 साल से क्या कुछ मिला वापस आपको वोट के बदले? नहीं। उम्मीद क्या थी मिलने की? उम्मीद तो कुछ नहीं, बस हमने एजुकेशन नहीं की, हम क्या उम्मीद कर सके हम। अच्छा तो क्या लगता है देश में एजुकेशन वाले लोगों को काम नहीं मिलेगा? हाँ भाई से पूछो तो हम तो बीजेपी के साथ हैं, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हमें उम्मीद है। अच्छा एक बार बताओ, आप कह रहे हो एजुकेशन नहीं थी इसलिए काम नहीं मिला। हम देखते हैं बहुत सारे अनपढ़ नेता विधानसभा पहुँचे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, मंत्री भी बन गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी बहुत कुछ मिल सकता है? बस उनकी उनकी किस्मत है, हर आदमी की अलग अलग किस्मत होती है, इस बारे में क्या कह सके, तो ऊपर वाले के हाथ में है। कुछ युवा परेशान भी हैं, कुछ हालातों की वजह से परेशान होते हैं, कुछ सरकारों की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन हाँ परेशानी है। भाई साहब आपका नाम क्या है? जी प्रदीप, प्रदीप सैनी। कितने सालों से वोट डाले? तकरीबन 10-11 साल। कुछ मिल पाया वोट के बाद? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। टोटल यूपी के अंदर गुंडा राज और कुछ नहीं है। गुंडा राज जी, टोटल टोटली गुंडा राज है। वो कहते हैं ना सर कि पहले एक चोर था अब दो हैं। सही बात ही है। अच्छा ये आपकी अपनी प्रतिक्रिया है? जी जी। लगता है कि उत्तर प्रदेश का कुछ हो पाएगा? भ्रष्ट के हाथ में है उत्तर प्रदेश, तो कुछ नहीं हो पाने का, टोटली भ्रष्ट हैं सब A to Z। अच्छा कौन ईमानदार है जो आएगा भैया काम करने? ऐसा है कि पॉलिटिक्स, हालांकि पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर हूँ, तो एक जनता के तौर पर, क्योंकि आप वोट हमेशा देते आए हैं और आपको अब ये समझना होगा कि वोटिंग हमारा मौलिक अधिकार है, उसका फ़ायदा भी हमें मिले। अब जब देश जागरूक हो रहा है तो हमें वैसे एक बात है, देखो सर वोटर, अगर वोटर की बात की जाए तो देखो जाहिर सी बात है एक आम आदमी के पास सिर्फ एक अधिकार यही रह गया, ठीक है, उसका ही सही मायने में कि एक आम आदमी उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाता, सदुपयोग नहीं कर पा रहा। दुर्भाग्य की बात है देश में एक अधिकार जो सबको मिला हुआ आज उसका भी सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भाई साहब भी हमारे साथ है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम आत्मराम है। आत्मराम जी कहीं जा रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं आए हैं अभी, घूम कर आए हैं। चाय वाय पी ली है? हाँ पी ली है। अच्छा चुनाव आ रहे हैं पता है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? मुझे कम है 25 साल डालते हुए। 25 साल से वोट डाल रहे हैं? 25 साल में क्या ऐसा हो गया? 20 साल करी। 20 साल, 20 साल मतलब वही लगभग हो गया, 2-4 साल के तो अंतर है। अच्छा ये बताइए क्या मिला कुछ 20 साल में आपको? क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलने का। क्या उम्मीद क्या थी, क्या मिलेगा? उम्मीद क्या कर सके आदमी, जो आज दिन मौजूदा सरकार है, जो अब तक सरकार चली समाजवादी की, इसमें क्या हुआ, एक तो बच्चों के जो स्कॉलरशिप थी वही ख़त्म कर दी छोटे बच्चों की, ना परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, सभी को परेशान कर दिया करीब। अब तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिल गए, अब तो कुछ चमत्कार हो जाए, देखते हैं क्या होता है ना। आप तो दो युवा हैं तो चमत्कार करेंगे कुछ? हाँ खैर ये तो बहुत सही है, उम्मीद है। अच्छा भाई, अच्छा आप भी बताओगे कुछ? हो गया तो हम युवाओं की प्रतिक्रियाओं को जान रहे थे, कुछ कोई बचा हो तो आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ एक और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक युवा और क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या? दिनेश कुमार। दिनेश आप कितने साल से वोट डाल रहे? कम से कम 9 साल। 9 साल से क्या मिल गया 9 साल में आप? फिलहाल कुछ नहीं मिला।
उम्मीद है कुछ मिलने की? जॉबलेस। क्या उम्मीद क्या थी आपको? उम्मीद तो बहुत कुछ थी, रखो सभी उम्मीद रखे हैं कि हमें भी जॉब मिलेगी, एजुकेशन अच्छी होगी, लेकिन एजुकेशन होके हम जॉबलेस हैं आज। कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सरकार ही होगी, अगर सरकार ध्यान देगी वो पे और जॉब दिलाए अच्छी तो क्या नहीं हो सकता। अगर वैकेंसी निकलेगी तो जॉब मिलेगी, निकल ही नहीं रही, लेकिन नहीं लग रही, भ्रष्टाचार है। अगर सरकार हम पे युवाओं पे ध्यान देगी तो ज़रूर हम भी कामयाब होंगे, देश का भविष्य आखिर युवाओं पे टिका है। बिल्कुल सही बात है, एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, देश का भविष्य युवाओं पर ही टिका है और युवा अगर सशक्त होंगे तो शायद वो देश को भी सशक्त बना पाएंगे। सवाल बड़ा है कि कौन युवाओं के लिए आकर काम करेगा। आज अगर पढ़ने लिखने के बाद भी युवा बेरोजगार बैठे हैं तो किसकी बदौलत बैठे हैं और कौन इनके लिए आगे बढ़कर आएगा और इनके साथ हाथ बढ़ाकर कहेगा कि हाँ आइए, मैं आपके लिए नौकरियां लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए विकास लेकर आया हूँ, आइए देश के विकास में भागीदार बनिए। सवाल है कि कोई भी हाथ बढ़ाने नहीं आता, लेकिन इस बार कौन आएगा हाथ बढ़ाने, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे।